सामाजिक क्षेत्र में स्वामी जी ने दूसरी जो सबसे बड़ी देन दी, देन तो बहुत है, वो है जातिवाद। आज हिंदुस्तान का चुनाव हुआ है, आपने सबने देखा, और चुनावों का जो परिणाम आ रहे हैं वो आपने सबने देखा। लेकिन हम बुद्धिजीवी लोग ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव में आज भी आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हिंदू समाज में और भारत में सबसे बड़ी बुराई क्या है जिसका इफेक्ट चुनाव तक में पड़ता है, तो वो बुराइयां हैं सांप्रदायिकता और जातिवाद। और भारत का कोई भी राजनीतिक दल ईमानदारी से सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल जातिवाद के खिलाफ नहीं है। ये दो बहुत बड़े कोड़ हैं जिस कोड़ के कारण हिंदू समाज अंदर से भी घुन जैसा क्षरण क्षरित हो रहा है और ये समाज कमजोर हो रहा है। स्वामी दयानंद ने उस जमाने में, अरे एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी महापुरुष हुए या बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, जिन लोगों ने भी जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई उसमें कोई भी ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला नहीं था। ये कबीर हैं, चाहे दरिया हैं, चाहे दादू हैं, चाहे दयाल हैं, चाहे नानक हैं, चाहे मध्यकाल के भगवान गौतम बुद्ध हैं, इन सब ब्राह्मण कुल में कोई पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जो पीड़ित थे जातिवाद से, स्वयं विवेकानंद जातिवाद के खिलाफ है, विवेकानंद के साहित्य में बहुत खिलाफ लिखा गया है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, लेकिन ये सारे लोग पीड़ित लोग हैं, ये सब ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोग हैं। कोई कायस्थ कुल में जन्मा है, कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा है, कोई छोटी बिरादरी में जन्मा है, कोई निर्गुण मत का है, कोई सगुण मत का है, कोई भक्ति काल के साधु हैं, संत हैं, लेकिन ऋषि दयानंद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हो रहा है, जातिवाद के दृष्टि से कहीं से पीड़ित नहीं है, लेकिन ऋषि हैं। ऋषि वो होता है जो सत्यवक्ता होता है, सच्चाई बोलता है। ऋषि दयानंद ने कहा कि रज और वीर के योग से वर्ण का निर्णय नहीं हो सकता, गुण और कर्म के स्वभाव से ही वर्ण का निर्धारण होता है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी, इतनी क्रांतिकारी बात थी कि तत्कालीन पौराणिक लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। उस समय के सबसे बड़े सन्यासी स्वामी विशुद्धानंद थे दयानंद सरस्वती के बाद। 1867 ईस्वी में ये पखंड हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था, वहाँ उन्होंने कहा कि लोगों ने पूछा, स्वामी जी पौराणिक लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हुए, ब्राह्मण क्यों ऊंचा है, तो स्वामी विशुद्धानंद ने भाषण देते हुए कहा, ब्राह्मणों से मुख मासी बाहुराजन्य कृतः उरु तदस यद वैश्य पद्भ्याम शूद्र अजायत। ब्राह्मण इसलिए ऊंचा है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, और उधर से जो पेट है या जो उरु है, जंगा है, यहाँ से वैश्य हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। उसी 1867 ईस्वी के कुंभ के मेले में स्वामी दयानंद भी थे। उन्होंने सबसे पहले 1867 ईस्वी में पाखंड खंडी पताका फहरा दी हरिद्वार के कुंभ मेले में, और वहाँ स्वामी जी का प्रवचन जारी हो गया। आकर लोगों ने कहा कि स्वामी जी विशुद्धानंद जी आए हुए, काशी के बहुत बड़े गौड़ सन्यासी हैं, बहुत बड़े वेदांत के पंडित हैं, वो भी सन्यासी हैं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण ऐसे पैदा हुआ, क्षत्रिय ऐसे पैदा हुआ, ये वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको क्या कहना है। स्वामी दयानंद ने उसमें 1867 में कहा कि मुख से तो खखार पैदा होता, मुख से खखार निकलता है, मुँह से दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जहाँ से ब्राह्मण आते हैं, जहाँ से क्षत्रिय आते हैं, जहाँ से वैश्य आते हैं, परमात्मा की सृष्टि व्यवस्था में परमात्मा के नियमानुसार हर मनुष्य व्यक्ति उसी माता के कुक्ष से पैदा होता है, इसलिए इस मंत्र का ये अर्थ नहीं है। और पैदा होने की बात कहाँ आई, देखिए एक बात बता रहा हूँ, इसमें कहा जा रहा है ब्राह्मणों से मुख मासित, इसमें संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे कि ऐसी विराट समाज की कल्पना की जाए तो ब्राह्मण उसका मुख था, आसित माने था, पैदा होने वाली बात ही नहीं है, ब्राह्मणों से मुखमासित। अब प्रश्न भी कहा गया कि पूरे समाज को एक शरीर का रूपक दिया जाए तो ब्राह्मण किसे कहेंगे, ये कहीं आया ही नहीं कि ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ, न प्रश्न है न उत्तर है। उसी प्रकार बाहु राजन्य कृतः, कृतः माने बाहु के समान राजन्य क्षत्रिय संपादित बनाए गए, पैदा होने वाली बात कहाँ है, ये तो पैदा होने में कोई शब्द ही नहीं है वेद के मंत्र में। औरु तदस यद वैश्य, औरु माने जंघाए और उधर जो है वो मानो वैश्य है। ये पद्भ्याम शूद्रो अजायत, केवल एक वाक्य है शूद्र को लेकर के कि पैरों से शूद्र पैदा हुआ, तो ये इसलिए शूद्र सभी पैदा हो, अजायत क्रिया का संबंध शूद्र से है और शूद्र ही सब पैदा होते हैं। लिखा जन्मना जायते शूद्र, जन्म से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति सब शूद्र है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जब तक द्विज न हो जाए
जब तक उसका जो पवित्र हो जाए, जब तक उसको सावित्री ने दिया जाए, जब तक वेद आदि पढ़कर शिक्षित प्रशिक्षित न हो, तब तक तो शूद्र ही रहता है। वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो निर्धारण है वो बाद में होता है, लेकिन पैदा होने वाली बात केवल शूद्र के साथ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के मुख और आँख और नाक या पेट से पैदा होने वाली कोई बात नहीं है। आप ये देखिए, स्वामी जी ने एक और महत्वपूर्ण तर्क दिया है। स्वामी जी से लोगों ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण चाहे कोई भी कर्म करे, चाहे वो राजा सेना में चला जाए, चाहे वो दुकान करे, चाहे वो मजदूरी का काम करे, वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो कभी ब्राह्मणत्व उसका नहीं बदलेगा। और आज देश का दुर्भाग्य है कि सारे जितने बुद्धिजीवी हैं, सारे जितने अखबार के संपादक हैं, सारे जितने चुनाव के विश्लेषक हैं, वो सारी व्याख्या जातिवाद के आधार पर करते हैं। कितनी जातियां जाट हैं, इतनी ये हैं, इतनी ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत गलत स्थिति की ओर जा रही है। इसको स्वामी जी ने उठाया और यही कारण है कि इस बात को स्वामी जी की इस बात को दो और लोगों ने लक्ष्य किया, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उनके वाक्य को पढ़ रहा हूँ। अंबेडकर ने 1956 में कहा था कि अगर समाजवादी समाजवाद के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि जाति का प्रश्न मूलभूत प्रश्न है। जब तक जाति रूपी राक्षस को मारा नहीं जाएगा, तब तक न तो राजनीतिक सुधार हो सकता है और न आर्थिक सुधार। ये बात कही थी अंबेडकर ने और यही बात लोहिया ने कही है कि जो लोग केवल राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की बात करते हैं और सामाजिक सुधारों के महत्व को नज़रअंदाज करते हैं, वे निहित स्वार्थों से प्रेरित हैं, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के बाद भी सामाजिक रूप से दबे कुचले और पिछड़े लोगों के जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो भारत की आज़ादी के एक चिंतकों में दो बड़े नाम हैं। आज लोग रोड की राजनीति के लिए अंबेडकर को सबसे आगे रखते हैं, वोट की राजनीति के लिए लोहिया के समाजवाद की बात करते हैं। जीवन में और विचार में, सिद्धांत में लोहिया और अंबेडकर की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। आइए, इस मामले में सबसे बड़ी बात स्वामी दयानंद ने कही। गांधी भी उतना आगे नहीं पहुंचे थे। गांधी जी के जीवनी को पढ़िए, मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जनना जातिवाद के अभिशाप से सैद्धांतिक रूप से गांधी भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि जाति की गत वर्ण व्यवस्था जन्म से ही ठीक रहती है, लेकिन जब उनके लड़के की, एक जो उनका छोटा लड़का था देवदास गांधी, और देवदास गांधी का विवाह जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की लड़की से हुआ, लक्ष्मी, वो राजगोपालाचार्य ब्राह्मण थे, तमिल ब्राह्मण, और ये बनिया वैश्य थे, महात्मा गांधी जन्मना जाति की व्यवस्था से, और उनका विवाह हुआ, तब लोगों ने पूछा कि आप तो कहते थे कि जाति व्यवस्था जन्म से होती है, आपका ही लड़का अंतर जातीय विवाह कर रहा है, अब आप क्या कहेंगे। गांधी मौन हो गए थे, उनको अपने विचारों में संशोधन करना पड़ा था। तो स्वामी दयानंद के विचारों की विजय हुई, जो स्वामी जी कहते हैं गुण और कर्म और स्वभाव से वर्ण व्यवस्था होती है, जाति का कोई मतलब नहीं, पेशे से जातियां हो सकती हैं, लेकिन वर्ण का निर्धारण गुण कर्म स्वभाव से होगा। स्वामी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा तर्क दिया। स्वामी जी ने लिखा है कि जो तुम मानते हो कि जन्म से ही वर्ण व्यवस्था होती है, तो जो ब्राह्मण मुस्लिम हो जाता है, जो ब्राह्मण क्रिश्चियन हो जाता है, उसकी जाति कहाँ रह जाती है। स्वामी जी के समय में भी सैकड़ों ब्राह्मण होकर ईसाई हो गए थे। जो नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मण था, ईसाई हो गया। ब्योमेश चंद बनर्जी बंगाल का ब्राह्मण था, वो ईसाई बन गया। कांग्रेस का प्रथम सभापति वो ईसाई हो गया था, ब्राह्मण कुल का होते हुए कांग्रेस का जो प्रथम भारतीय सभापति हुआ मिस्टर ह्यूम के बाद। तो कहने का मतलब है स्वामी जी की जो वर्ण व्यवस्था संबंधी अवधारणा है और मूर्ति पूजा के बारे में जो उनका विचार है, एकेश्वरवाद के बारे में जो उनका विचार है, ये दो चीजें धार्मिक जगत में ईश्वर के निराकारत्व की स्थापना और उसका समर्थन वेद करते हैं, और सामाजिक जगत में जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना, ये स्वामी दयानंद की दो बहुत बड़ी देन है। और इसको जब तक आर्य समाज जीवित और जागृत था पहले, निश्चय ही पिछली शताब्दी में, खास करके 1950 तक, 1875 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक 75 वर्षों में आर्य समाज का युग है। उस काल में पूरे देश में चाहे व्यक्ति जो आर्य समाजी न भी हुआ हो, आर्य समाज के विचारों से आप्लावित था। धीरे धीरे हमारा पतन हुआ है, ये सोचने का समय है। ये स्वामी इंद्रवे जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनसे सबसे पहले 1973 में मिला था, मेरठ में पहुंचे थे। एक बार शक्तिनगर आर्य समाज में हम साथ बैठे थे और वो तो इतने बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, दर्शनों के,
आकर्षक व्यक्तित्व नहीं, उनका स्वभाव भी कितना विनम्र था, उनकी अवधारणा थी कि इस प्रकार स्वामी जी के ध्यान के विचारों को गांव गांव तक ले जाया जाए, नगर नगर तक ले जाया जाए, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से भी उन्होंने प्रवेश किया था। लेकिन ये जरूर खेद की बात है कि आज हमारा अन्य सामाजिक संगठनों की अपेक्षा आर्य समाज का संगठन बहुत कमजोर हुआ है, और इतना कमजोर हुआ है कि हमारी आवाज आज देश में कहीं सुनी नहीं जा रही है, राजनीतिक जगत में भी हमारा कोई विशेष पूछ नहीं है। इस बात को दूर कैसे करेंगे? स्वामी आर्यवेद जी जैसे लोग और आर्य समाज के चिंतक लोग, बुद्धिजीवी लोग, आर्य समाज के नेता लोग, आर्य समाज के अनुयायी लोग, उनको चाहिए कि इस गंभीर समस्या पर विचार करें, और इस प्रकार स्वामी इंद्रवेश जी की ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, क्योंकि स्वामी दयानंद के वे सच्चे सिपाही थे, स्वामी दयानंद के विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया था, अपने यौवन की आहुति दी थी और समर्पित भाव से वो काम कर रहे थे। यदि आर्य समाज इस रूप में काम नहीं करेगा तो आगे बहुत हमारा भविष्य और उज्ज्वल दिखाई नहीं देता है। अंतिम एक बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूं। एक बात संसद में जो कार्यक्रम चल रहे थे संसद के, और संसद में रामविलास पासवान बोल रहे थे, और मैं कभी टीवी देखता नहीं, बहुत कम देखता हूं, अचानक मैंने टीवी का वो न्यूज़ निकाला लोकसभा का, और उसमें लोकसभा का प्रसारण हो रहा था। रामविलास पासवान ने बड़ी अच्छी बात कही जिसको बोल करके मैं इस अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देश में जो हर प्रकार के व्यक्ति हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो जन्मना जाति व्यवस्था से जो पीड़ित है या उसी में अपने को बांधते हैं, उनके लिए भी मेरा संदेश है। रामविलास जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, चाहे जन्म व्यवस्था से ही मानते हो, उनका आदर्श जब तक स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होंगे तब तक देश से जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। उसी प्रकार उन्होंने कहा जो अपने को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले भगवान गौतम बुद्ध की ओर उनकी जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। इसी प्रकार जो अपने को बनिया वर्ग से, वैश्य वर्ग से जो अपने को संबंधित मानते हैं, उनको महात्मा गांधी की ओर देखना होगा, और जो अपने को दलित वर्ग के लोग मानते हैं उनको आम्बेडकर की ओर देखना होगा। बड़ी अच्छी बात हमें लगी कि उन्होंने समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के अंदर भी जो लोग हैं उनको किन्हें आदर्श बनाना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके लिए जाति व्यवस्था तोड़ने में स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श बना करके ही इस विचारधारा को लेकर हम ऋषि के विचार को फैला सकते हैं। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद के वैचारिक दृष्टिकोण को आज दुनिया को जरूरत है, भारत को नहीं सारी दुनिया को जरूरत है। वैश्विक शांति के दृष्टि से भी स्वामी दयानंद के विचार ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं और अधिक बहुत समय नहीं लूंगा, शायद मैंने ज़्यादा समय ले भी लिया है, इसलिए अतिरिक्त समय लेने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी होता हुआ, पहले मैं स्वामी आर्यवेद जी महाराज और स्वामी आदित्यवेद जी और बहन पूनम जी और प्रवेश जी और आपके सारे इस संस्थान के सदस्यों का, अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अल्पज्ञ को यहाँ बुलाया और मैंने आकर के सारी चीज़ें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्य समाज को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी विचार होना चाहिए, और ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य से आर्य समाज को आगे और नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और नए ढंग से हम आर्य समाज के कार्य को आगे भी ले चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।